not a game, it's a rich thing. होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल फैमिली व्लॉग विद नवनीत में, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का चैनल है। हम सब ने एक साथ मिलकर इस चैनल को इस लेवल तक पहुंचाया है और आगे भी आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, अपना अपनापन इस चैनल को देते रहिएगा, क्योंकि अभी हमें अपने चैनल को बहुत आगे तक लेकर के जाना है और आप लोग का प्यार रहे, साथ रहे, तो हम लोग उस शिखर तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से भी, और जो लोग कुछ एक दो लोग आते हैं नेगेटिव उन लोगों से भी, कि देखिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होम टूर। अपना घर सभी को बहुत प्यारा होता है, मुझे भी आप सभी की तरह अपना घर बहुत प्यारा है। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और मेरा छोटा सा होम स्वीट होम जैसा भी है आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग तो मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत भर भर के प्यार देने वाले हो, लेकिन कुछ चंद लोगों से मैं, जो हर जगह पे हेट फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए प्लीज़ कि कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो इंसान से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। तो एक घर जो होता है ना, वो हर इंसान के दिल के बहुत करीब होता है, तो इसको अपना प्यार दीजिएगा, बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा। तो इससे पहले भी मैं आप लोग के साथ ये होम टूर का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी क्योंकि हाल फिलहाल हम लोगों ने घर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो आज उन चेंजेस के साथ एक नया होम टूर वीडियो आप लोग के सामने आने जा रहा है। तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा होम टूर। तो मैं बाहर से तो आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बाहर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर गांव है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सब लोग सोचेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग को तो पता है फिलहाल कि मैं आप लोग के साथ अपना होम टूर वीडियो शेयर कर रही हूँ, पर बाकी सब लोगों को नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं आप लोग को अंदर से ही दिखा रही हूँ। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पे इस तरीके का ग्रिल लगा हुआ है और बाहर देखिए दोनों तरफ रखे हुए हैं प्लांट्स। उधर वाला थोड़ा ज़्यादा उधर है इसलिए दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद में इस तरीके का गेट लगा हुआ है और ये है एक बल्क, मतलब एक लंबी गैलरी है। तो ये देखिए, तो यहाँ से होती है एंट्री और ये देखिए ये है गैलरी। तो जब आप यहाँ से एंट्री करते हैं, सबसे पहले है ये वाला रूम, ये मैं पहले भी आप लोग को वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये फर्स्ट रूम जो है ना, ये है हमारा स्टोर रूम। तो यहाँ पर अनाज की टैंकियाँ, बाकी सब स्पेयर सामान वगैरह सब यहीं पर रखा रहता है। तो ये रूम जो है, ये है स्टोर रूम, इसको बंद कर देते हैं। तो ये फर्स्ट रूम है, उसके बाद जब आप गैलरी से एंट्री करते हो तो ये है हमारी गैलरी, ये देखिए। तो सबसे पहला सेकंड रूम जो पड़ता है वो है हमारा ड्राइंग रूम। तो चलिए आप लोग को अपना ड्राइंग रूम दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हो गई ड्राइंग रूम में एंट्री। तो यहाँ बिछा हुआ है ये एक सिंगल बेड या दीवान बेड आप बोल सकते हो, और इस तरीके से यहाँ है शोकेस। और देखिए मेरा जो ससुराल हाउस है ना, वो विलेज हाउस है, तो यहाँ पर देखिए पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि इस तरीके का दीवार पर ना शोकेस ज़रूर बनाया जाता था हर रूम में, ड्राइंग रूम में। तो आप लोग जितना भी गांव के घर घूमे होंगे ना, आप लोग ने देखा होगा कि इस तरीके के शोकेसेस बहुत मिलते हैं देखने को। वैसे आजकल तो देखिए कोई नहीं बनवाता है, लेकिन क्योंकि हमारा ये जो घर है काफ़ी पुराना है,
मेरे इन-लॉज का ने बनवाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के शोकेस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो एक है शोकेस ये, और एक देखिए इधर है, ये देखिए, और इसमें भी थोड़ी बहुत हम लोगों ने चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं, जैसे क्रॉकरी वगैरह आप लोग देख सकते हो, डिनर सेट वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसको बंद कर देते हैं, और इस तरफ लगाई हुई है मैंने दो पेंटिंग्स गणेशा की, और यहाँ है कॉर्नर टेबल, और कॉर्नर टेबल पे रखे हैं मैंने बहुत ही प्यारे से बुद्धा, जो कि आप लोग के साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था। और देखिए यहाँ मैंने बिछाया है वही वाला रैग जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था, और काफ़ी अच्छा लगता है रखने के बाद में। और इस पर रखा है टेराकोटा का फ्लावर वेस, ये देखिए, और यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ है एक साइड कॉर्नर स्टैंड, तो इसकी मैंने लाइट ऑन कर दी है, और ये देखिए। तो इस साइड में हम लोगों ने लगाया है सोफा एंड चेयर, और ऊपर लगी हुई है एक पेंटिंग, ये देखिए। तो मैं एक बात पूरा लुक आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जब आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलेंगे, देखिए इस साइड है गैलरी, और इधर जहाँ मैं खड़ी हूँ है ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के इस वॉल पर देखिए मैंने लगा ली हैं ये वाली पेंटिंग्स, जो कि मैंने आप लोग के साथ दिवाली से पहले जो मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया था उसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी ये वाली पेंटिंग्स, तो उनको मैंने यहाँ लगा दिया है। और नीचे रख लिए हैं ये वाले फ्लावर वेस, और साथ में एक बोनसाई फ्लावर वेस भी रख लिया है। और यहाँ लगी हुई है माता रानी की बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए। तो यहाँ से चलते हैं, और ये है हमारा एक और रूम, और ये जो रूम है ना ये गेस्ट रूम है, हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो वो यहाँ हम लोग स्टे करा सकते हैं। तो ये छोटा सा एक गेस्ट रूम है, और यहाँ पर प्रेस की टेबल भी रखी हुई है, ये देखिए। तो प्रेस वगैरह का काम भी हम लोग यहीं पर करते हैं, और यहाँ रखी हुई है एक अलमीरा, और यहाँ है एक डोर, और यहाँ कुछ कपड़े हैंगो रखे हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बाहर, और अभी इधर से एंट्री होती है हमारे हॉल की, ये देखिए। तो वो सामने ड्राइंग रूम दिख रहा है, और अभी हम चल रहे हैं हॉल में। तो यहाँ हॉल में एंटर होते ही सबसे पहले रखा हुआ है हमारा डाइनिंग टेबल, और यहाँ लगी है टेराकोटा की बहुत ही प्यारी सी विंड चाइम, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये काफ़ी साल पुरानी है, मतलब लगा लीजिए 7-8 साल पुरानी ये विंड चाइम है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और हॉल के लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा किचन, जहाँ से मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारी किचन की, ये देखिए। और किचन तो आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, ये देखिए। तो भी किचन से चलते हैं बाहर, और हॉल ही दिखा देती हूँ पहले मैं आप लोगों को। तो यहाँ रखा हुआ है हमारा डाइनिंग और दीवान। मेरे हॉल का मेकओवर आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है। और यहाँ देखिए, जो मैंने हॉल के मेकओवर में आप लोग के साथ फ्लावर वेस शेयर किए थे ना, तो इनमें मैंने लगा दिए हैं ये स्पाइडर प्लांट, ये देखिए, दोनों में लगा दिए हैं। और इनमें मैंने डाल दिए हैं ये पेबल्स, जिससे कि काफ़ी अच्छी शो आ रही है, ये देखिए। तो ये है हमारा हॉल, और इधर मैंने आप लोग को दिखाया था किचन। तो किचन से आगे हमारा पड़ता है एक रूम, और ये मम्मी का रूम है,
यानी कि मेरी सासू माँ का रूम। तो यहाँ हम लोग जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ लगा हुआ है एक बेड, ये देखिए। और मैंने जितना भी सामान मंगवाया था ना ऑनलाइन, आप लोग के साथ शेयर तो कर दिया था हॉल, लेकिन आज मैंने उनको कहाँ कहाँ लगाया है आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सामने देखिए, जो पेंटिंग्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी वो लगा दी हैं इस वॉल पर, जो कि बहुत सुंदर लगती है। और इनका जो मतलब लुक है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत हैंडमेड लगती हैं ये पेंटिंग्स। तो ये देखिए, यहाँ वो पेंटिंग्स लगा दी हैं, और यहाँ है मम्मी जी का बेड जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए विंडोज़, और विंडोज़ से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आप लोग को मैं, ये देखो। तो मम्मी का रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो खिड़की के बाहर है हरे हरे खेत, तो यहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है ना कि खिड़कियाँ ना बिल्कुल बंद रखनी पड़ती है शाम में, नहीं तो ये वाला जो हमारा रूम है ना काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इसी रूम में एक साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारा पूजा रूम, ये देखिए। तो यहाँ पूजा रूम है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो मम्मी के रूम से निकलते ही इधर रखा हुआ है हमारा फ्रिज, और यहाँ लगा हुआ है एक मंजा यानी कि चारपाई, थोड़ा जैसे हम लोग कभी बैठ जाते हैं या किसी का लेटने का मन होता है तो ये यूज़ हो जाता है, बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं, कभी कभार खाना वगैरह खा लेते हैं। तो एक मंजा जो है हमने बिछाया हुआ है यहाँ मम्मी के रूम से बाहर निकलते ही। और जस्ट सामने पड़ता है एक और रूम, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ, देखिए। तो ये है एक और रूम, और यहाँ दोनों बच्चे बैठ करके करते हैं अपनी स्टडी, ये देखिए। तो यहाँ लगा हुआ है बच्चों का स्टडी टेबल, यहीं बैठ करके दोनों बच्चे स्टडी कर लेते हैं। और ये थोड़ा हमारा स्पेयर रूम है, यहाँ देखिए, यहाँ भी डाला हुआ है एक बेड और मंजा डाला हुआ है। तो अभी हम चलते हैं इस रूम से बाहर, इधर है हॉल और उस साइड से हम लोग आए थे। तो ये है हमारी बैक साइड की एंट्री, और देखिए यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, वो देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, मम्मी हैं बैठे हुए, हाय। और देखिए इधर से मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोग के साथ प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे ग्रीनरी वाले व्यूज, ये देखिए। और पीछे हम लोग का है एक छोटा सा बरांडा जहाँ मम्मी और बैठे हैं चारपाई लगा करके। तो यहाँ सारा दिन धूप आती है तो हम लोग धूप इंजॉय करते हैं बैठ के। और यहाँ देखिए, और बस एक जो लू है वो है बैक साइड में, यहाँ सिंक के बैक साइड में लू है, और एक लू और बाथरूम अटैच्ड है यहाँ पर, ये देखिए। अब हम लोग वापस चलते हैं अंदर, और अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ अपस्टेयर्स। तो चलिए अभी अपस्टेयर्स चलते हैं। तो मैं आप लोग को हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मेरा रूम ऊपर है। तो देखिए यहाँ है मेरा रूम, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपस्टेयर्स। तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं मेरे बेडरूम में। तो यहाँ एक और बेडरूम है, ये देखिए, और इसमें कर लेते हैं हम लोग एंट्री। तो हमारा जो बेडरूम है जो कि ऊपर अपस्टेयर्स है, उसमें दो रूम्स हैं, एक है ये बाहर वाला रूम और इससे कंबाइन अंदर है जो बेडरूम है। तो ये जो रूम है यहाँ रखी हुई है मेरी अलमीरा, और यहाँ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कुछ धुले हुए कपड़े रखे हैं, मतलब कपड़ों का बहुत बड़ा पाइल रखा हुआ है जिसको मुझे अभी फोल्ड करना है थोड़ी देर में। तो ये है मेरा रूम। तो यहाँ रखा हुआ है मेरा ड्रेसिंग टेबल, बक्सा रखा हुआ है, यहाँ रखा है स्टडी टेबल, ये देखिए। और स्टडी टेबल में नोनो ने की है क्रिसमस डे की डेकोरेशंस। नोनो बहुत क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ बक्से पर रखी हुई है मेरी सिलाई मशीन। अब हम लोग अंदर एंट्री करते हैं, और ये है बेडरूम। तो यहाँ पर ना दो बेड हम लोगों ने लगाए हुए हैं, एक तो ये सिंगल बेड है
आप देख सकते हो। सामने है टीवी जो कि हम लोग नहीं देखते क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है हम लोग को। और ये देखिए, ये है सामने बेडरूम और यहाँ रखी हुई है चेयर टेबल, और टेबल में रखी हुई है एमी की बहुत सारी बुक्स, और ऊपर रखा है ट्राईपॉड, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना, ये है एमी का स्टडी कॉर्नर, यहीं पे बैठ करके एमी करता है अपनी ऑनलाइन क्लास, तो इसलिए ट्राईपॉड भी यहीं पर रखा हुआ है और ये टेबल और चेयर ही यूज़ करता है ऑनलाइन क्लास के लिए। और देखिए यहाँ रखा हुआ है एक साइड टेबल, और साइड टेबल पे मैं अक्सर अपना मोबाइल चश्मा वगैरह ये चीज़ें रखती हूँ। और यहाँ वॉल पर देखिए लगाई हुई हैं बहुत सारी फोटोज, तो कोलाज बनाया हुआ है मैंने। और यहाँ है एक लकड़ी की कबट, और यहाँ था मेरा एसी जिसको फिलहाल मैंने कर्टन लगा दिए हैं क्योंकि अभी गर्मियां नहीं है, गर्मियों में ये कर्टन मैं हटा दूंगी, फिलहाल कर्टन लगा लिया है। और ये रूम भी आप बहुत बार देख चुके हैं, ये देखिए यहाँ रूम में है एक स्लैब, इसके ऊपर ना मैंने सीडी प्लेयर रखा हुआ है, हालांकि हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं सीडी प्लेयर, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पर ही सब लोग गाने वाने सुन लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कभी कभार अगर आप मूड है गाने सुनने का अच्छी सी आवाज़ में, तो मैं इसको चला लेती हूँ, इसमें गाने सुन लेती हूँ, नहीं तो बहुत कम ही यूज़ होता है वैसे। और इधर टीवी रखा हुआ है, तो ये है हमारा रूम। अभी हम चलते हैं इससे बाहर, देखिए यहाँ लगी हुई है एक बहुत ही प्यारी सी ब्रास की पेंटिंग गणेश जी की, और अभी चलते हैं बाहर। तो हमारे रूम से बाहर निकलते ही ये बरामदा है, यहाँ देखिए शू रैक रखा हुआ है, बच्चों की स्कूटर साइकिल है, मेरे कपड़ों का स्टैंड है, और अपस्टेयर्स एक और रूम है ये देखिए सामने, लेकिन इसको भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये भी स्पेयर रूम है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए हम लोग इस रूम को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ भी डबल बेड डाला हुआ है, सामने देखिए मेरी एक्सरसाइजिंग साइकिल रखी हुई है, तो ये मशीन मैं यहीं रखती हूँ, यहीं यूज़ कर लेती हूँ। और इधर तो आप लोग देख ही चुके हैं, इधर लगा हुआ है हमारा स्विंग, और ये है एक छत, और ये वाली छत भी आप लोग देखते हैं हर वीडियो में। तो ये था आप लोग के लिए मेरा होम टूर का वीडियो, आई होप कि मेरा होम स्वीट होम आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो और हमारा घर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।